वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर मिस महानूर। आज के इस लेक्चर में हमने रिवीजन स्टार्ट करनी है। जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किए गए थे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6 से। पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द नंबर नेम। क्या करना है हमने? नंबर्स के नेम राइट करने हैं। कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले अपने नंबर्स को देखना है कि नंबर हमारा कितने डिजिट्स पे है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे राइट साइड से। राइट साइड से इस तरह से काउंट करेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स 4। आपके पास डिजिट क्या है यहाँ पे? 4। तो क्या नेम बनेगा इसका? 4 लैक्स, FOUR 4 LAKS, लैक्स 4 लैक्स। नेक्स्ट है आपका इसी तरह सेम, आप काउंट करेंगे, आपने उसका नेम लिखना है सेम एज इट इज। ये लैक तक हैं तो क्या होगा ये? 7 लैक, SEVEN 7 LAKS, लैक 7 लैक। नेक्स्ट है 5 लैक एंड लास्ट वन इज 11 लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर प्लेसिंग योर कोमा करेक्टली। क्या करेंगे हम? अपने नंबर को लिखेंगे और कोमा को करेक्टली प्लेस करेंगे। फर्स्ट है 3 लैक। 3 लैक आपने कैसे लिखना है? 3000000। आपने सबसे पहले राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करना है। काउंट आप इस तरह से करेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड लैक। फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद आपने फर्स्ट कोमा प्लेस करेंगे एंड सेकंड 2 डिजिट्स के बाद सेकंड कोमा प्लेस करेंगे। लैक में 2 कोमास होते हैं क्योंकि इसमें 5 जीरोज़ आ रहे हैं। 5 जीरोज़ हैं या 5 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं टोटल। उसमें हमने क्या करना है? फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद फर्स्ट कोमा एंड सेकेंड 2 डिजिट्स के बाद सेकेंड कोमा को प्लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3 लैक। नेक्स्ट है हमारे पास 9 लैक। 9 लिख के 5 जीरो प्लेस करेंगे। सेम इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कोमा प्लेस करेंगे एंड सेकेंड 2 डिजिट के बाद सेकेंड कोमा को प्लेस करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 है हमारा 10 एंड इट्स मल्टीपल्स। 10 से आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या वैल्यू है आपके पास? 64। 64 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, जीरो जो है जब हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो जो होता है जीरो एज इट इज़ आ जाता है, क्योंकि जब जीरो किसी से मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी वैल्यू को भी जीरो कर देता है। जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाय, जब वन से मल्टीप्लाई करते हैं, जब वन से हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है, यानी 64 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आया है 640। नेक्स्ट है 110 को आपने फर्स्ट पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट वाला है 50 से मल्टीप्लाई करना है आपने, मल्टीप्लाई बाय 50। 110 है आपके पास, 110 को आपने 50 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो एज इट इज़ आएगा। 5 जीरोज़ 0, 5 वन्स 5 एंड 5 वन्स 5, इन सबको जो मल्टीप्लाई किया जब ऐड किया हमारे पास आता है 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से चलते हैं। नेक्स्ट है इसी का मल्टीप्लाई बाय 20। 20 से मल्टीप्लाई करना है, 25 द 100। नेक्स्ट है 20 द 500। जब आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक करेंगे ना, जब आप मल्टीप्लाई इसको करेंगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आंसर आएगा आपके पास 500। नेक्स्ट है आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3200 द 3200। लास्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बाकी आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट द नंबर्स दैट मैच दीज एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने क्या करना है? हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, हमने इसको नंबर्स में राइट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती थी? हमने इसको एक्सपेंड कैसे करके लिखते हैं, जितने डिजिट्स होते हैं वैल्यू लिखने के साथ साथ उतने जीरोज भी ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे क्या है? 7000000, 5000000। अब हमने क्या करना है, इन सबको जब ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 751308। आपने क्या करना है, इनके फर्स्ट डिजिट ले लेने हैं और उसको राइट कर देना है 751308। नेक्स्ट है 190293, उससे नेक्स्ट है 578052, नेक्स्ट 409685। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, बाकी के क्वेश्चंस भी आप सेम एज इट इज करेंगे। नेक्स्ट है राइट द प्रीडिजर ऑफ ईच नंबर। क्या करना है हमें? प्रीडिजर बताना है। क्या होता है प्रीडिजर? एक वैल्यू एक डिजिट से प्रीवियस वैल्यू जो होती है, यानी अगर आपके पास 10 है, 10 से प्रीवियस वैल्यू क्या होगी? 9। तो हमने यहाँ पे वो बताना है क्या है। सबसे पहले आप काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैक 9 लैक, 6300, 63,380। 80 से पहले क्या आता है? लास्ट डिजिट आपने यहाँ पे चेक करना है, लास्ट डिजिट पे है 80। 80 से पहले क्या आएगा?
79। आपने यहाँ पे राइट करना है 9,63,379। नेक्स्ट है 1,02,100। तो यहाँ 100 से पहले आता है 99, तो क्या आएगा 1,02,099। सो ऑन, आपने बाकी क्वेश्चन भी सेम एज इट इज करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट इन नंबर्स, क्या करना है हमें, नंबर नेम्स दिए गए हैं, हमने उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 148,412। क्या करेंगे, 148,412। नेक्स्ट है 230,006। 230,006। लास्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज खुद करेंगे। बाकी है अब पेज नंबर 11। 11 पे हैं हम। राइट वर्टिकली एंड ऐड। वर्टिकली राइट करना है और उसको ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 24,639 + 10,251। क्या करना है हमने, इसको ऐड करना है 24,639 को 1,025 में। राइट साइड से हम एडिशन स्टार्ट करते हैं। एडिशन में क्या करते हैं, राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। 9 + 1 = 10, 0 नीचे लिखा, 1 ऊपर कैरी, 3 + 1 = 4, 4 + 5 = 9, 6 + 2 = 8, 4 + 0 = 4, 2 + 1 = 3। क्या आंसर है इसका, 3, 4, 8, 9, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50466 + 18974। 50466 को ऐड करेंगे 18974 में। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 4 + 6 + 4 = 0, 6 + 4 = 10, 0 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी, 6 + 1 = 7, 7 + 7 = 14, 14 का 4 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 4 + 1 = 5, 5 + 9 = 14, 14 का 4 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 8 + 1 = 9, 5 + 1 = 6। आंसर है इसका 69,440। बाकी के दो क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्शन का। राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट 1,401,758। 1,401 को माइनस करेंगे हम 758 में से। 1,401,758 कहाँ से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। राइट साइड पे फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 1, 1 - 8, 1 में से 8 माइनस नहीं होता। क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। नेक्स्ट पे 0 है, 0 में क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। 10 बना, 10 से 1 कैरी लिया, जो 0 था 10 था वो 9 में कन्वर्ट हो गया, और जो 1 है वो 11 में। 11 - 8 = 3, 9 - 5 = 4। नेक्स्ट बचा था आपके पास 3, 3 - 7, 3 में 7 माइनस नहीं होता, 1 से 1 कैरी लेंगे। 13 - 7 = 6। आंसर है इसका 643। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,008,4739। 6,008 में हम माइनस करेंगे 4739 को। 8 - 9 = 8 में से 9 माइनस नहीं होता, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। नेक्स्ट 00 है तो क्या करेंगे, 6 से पहले 0 में कैरी लेंगे वो 10 होगा, 10 से नेक्स्ट 0 में कैरी लिया, जो प्रीवियस 0 10 था वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट 0 है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस 10 में से हमने 8 में कैरी लेना है, 88 जो है वो 18 बन जाएगा, और जो 10 था वो 9। 18 - 9 = 9, 9 - 3 = 6, 9 - 7 = 2, 5 - 4 = 1। आंसर है इसका 12,609। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन हैं, आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में सेम एज इट इज़ जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पर भी सेम करेंगे। 1,078 × 7,1078 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ। 7, 8 = 56, 6 नीचे, 5 ऊपर कैरी, 7, 7 = 49, 49 में 5 ऐड किया, 54, 54 का 4 नीचे, 5 ऊपर कैरी, 7, 0 = 0 + 5, 5 एज इट इज़ नीचे, 7, 1 = 7। आंसर है इसका 7,546। नेक्स्ट क्वेश्चन 1,964 × 3, 1,964 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ। 3, 4 = 12, 2 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 3, 6 = 18 + 1 = 19, 9 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 3, 9 = 27, 27 में 1 ऐड किया, 28, 8 लिखा, 2 ऊपर कैरी, 3, 1 = 3 + 2 = 5। आंसर क्या है इसका 5,892। सेम एज इट इज़ बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, होपफुली आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस लेक्चर का अच्छे से रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आती या किसी बात की कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप आगे आपका इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो आप सवाल भी कर सकते हैं।
आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और स्टूडेंट, आपने को आपको पता है आपके पेपर जो हैं ऑनलाइन लेक्चर ऑनलाइन पेपर्स आपके 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आपने अपने सिलेबस की अच्छे से तैयारी करनी है। जितने पेजेस का आपको लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं उसी पेजेस की हम रिवीजन भी करेंगे। इसके रिलेवेंट जो जितने भी पेज हमने किए हैं आपने सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेपर में कोई डिफिकल्टी ना हो। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले अपने टेबल्स को अच्छे से याद करना है, देन आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट, पेपर की ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड होगी। आपने उस टाइम के मुताबिक अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। पेपर जो है वो 25 MCQs पे बेस करता है। 25 MCQs के मार्क्स 50 होंगे। अगर आपको पेपर के मुतालिक कुछ पूछना है या आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको पॉसिबल है तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप स्कूल के ऑफिस में आके रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू।